बोल शंकर भगवान की जय, बोल हरिंदर भैया की जय, बोल नीलम दीदी की जय। देखी आज बड़ा भाव से, बड़ा विश्वास से प्रियंका जी जी शिव गुरु के आसन लगैले बा अपना घर में। हाँ हाँ, कहता जे बड़ा ढेर दिन से हम सुनता नी जे चर्चा बड़ा महान होला बोला, तो एक बार हमू अपना घर में देखा था नी शिव गुरु के बोला के आ कैसे चर्चा होला, ऐसे ऐसे हम अपना चर्चा करवाए। अच्छा, तो सब गुरु बहना जुटल बानी आज प्रियंके जी के घर पर, बड़ी खुशी इनके घर पर ही चर्चा होता बड़ा धूमधाम से। और आवे के टाइम बाब हरिंदर भैया लीलम दीदी के साथे साथे बड़ा गाँवे गाँवे में प्रचार कैले बा लीलम दीदी हरिंदर भैया, कोने कोने में शोर कैले बानी जे चर्चा के धूमधाम बड़ा जोर से होता होती। बोल सांचे दरबार की जय। देखिए एगो लड़का रहे छोटी चुकी गे जी, आ ओकर मम्मी ओ लड़का के देलक 20 रुपया। अच्छा, आ कहलक जा बाबू थैला उठा ल आ जा मार्केट सब्जी ली आव, आलू करैला भिंडी उंडी खरीद के ली आव। ले आव लड़का बड़ा बेबस हो गए, कहलक हमर मम्मी तो दिलक है 20 रुपया सामान, आ इतना सामान ओरिया दिलक है, आ 20 रुपया में कैसे हो जे। उ लड़का तो हो गए परेशान। जब उ लड़का घर से निकलल बाहर तो एगो बूढ़ी माता रहे रोड में नेटा पोटा लगा के बैठल जी, झोटा उटा ऐसा ही खोल खाल के, तो उ लड़का के कहता उ बूढ़ी माता जे कहाँ जाता रह बबुआ, तो कहता जे मम्मी दिलक है 20 रुपया आई में 4 आइटम कह दिलक है, भिंडी लै ह, करैला लै ह, बैगन लै ह, हम का ला में इतना में। तो कहता बाबू हमरा ला एगो चुनियो खरीद ले आई, और आफत आ गया और आफत। अब उ लड़का तैयार माथा पर हाथ ध के आ रास्ता में बैठ गए जे माय तो हमर घर से टेंशन दिए दिलक है, अब एगो बूढ़ी माता बा पागल भागल के भेष में बैठल बारी, कह दिलक है एगो चुन्नी खरीद ली हम, अब बताब हम 20 में चुन्नी ले आ कि हम चुन्नी ले। जब उ लड़का कलस बूढ़ी माता कलत तू जा खरीद ली हा चुन्नी सब्जी ली हा चाहे ना ली हा, चुन्नी जरूर ली हा हमरा खातिर। जो लड़का जब मार्केट में घुसल तो ओकरा चुनिए पर नजर पड़ गए लड़का के, आ उ रहे बूढ़ी माता रहे जे माता रानी रहे, माता रानी रहे उ बड़ा वेशभूषा में बैठल रहे उ रास्ता में, आ माता रानी रहे उ तो कहलक जे जा तू सब्जी लैह चाहे ना लैह चुन्नी हमरा ला जरूर लैह। उ लड़का गेल मार्केट में तो ओकरा चुनिए पर नजर पड़ल, उ चुन्नी लेके आया के आ बूढ़ी माता के देलक। हाँ, तो बूढ़ी माता कहता बच्चा से जे लैल ह तो हमरा के ओढ़ाइयो द, खरीद के लैल ह तो हमरा के ओढ़ा द बाबू। हाँ, तो कहता जे हम खरीदियो के लैनी ह आ ओढ़ाइयो दी, आ हम सब्जी उब्जी ना ले लिया घरे जाए तई बारा मार मारी हमर माई। ओकरा जेब में ढेर सारा रुपया हो गए, बहुत रुपया हो गए ओकरा जेब में, माता रानी ओकरा के बहुत रुपया जेब में भर देला। उ फिर से दोबारा गए मार्केट, फिर एक झोला सब्जी खरीद के जय अपना माई के ला के देला, आ देख तू 20 रुपया देला हा, आ इतना सब्जी भी लै लिया खरीद के, आ इतना रुपया बा हमरा पास। जय हो जय। ओकर माई तो बड़ा खुश हो गए, कहता कहाँ से हमर बबुआ इतना पैसा ले आए, खुश हो गए ओकर मम्मी। तब मम्मी पूछलक बाबू कहाँ से लैल ह, तो कहल जे बूढ़ी माता रहे एगो बैठल ओकरे के चुन्नी ला के देली ह, अपने आप हमरा जेब में इतना पैसा हो गए भर गए, ल रख ल पैसा सारा। जब उ लड़का ला के आ सब्जी साग अपना मम्मी के दे दिलक पैसा दे दिलक,
तो माता बोले रहे वो लड़का से जे बाबू तोहर मतारी ढेर चर्चा करता गाँवे गाँवे जाता चर्चा करे लेकिन हमर चर्चा कहूँ नहीं के कहता जे तू अपना माई से कही हो जे शिव गुरु के चर्चा तू ढेर करेलू आ माता रानी के कथा तू काहे नहीं कहलू जे उनके ही अवतार से ई माता रानी भी बनल बा जे तू जा अपना माई के कही हो से चर्चा में जाता तो हमरो चर्चा गुरु बहिना सब के लोग में हमरो चर्चा जरूर करी। उ लड़का भूल गल ना कहलक अपना मतारी से बस ओकर मम्मी जब चर्चा में गल तो खाली शिवे गुरु के कथा कहल आ कथा कह के चर्चा कह के अपना घर में आगल प्रसाद लेके जब घर में आयल प्रसाद लेके तो लड़का हियाँ मरल पड़ल रहे घर में मरल पड़ल रहे जब ओकर माई प्रसाद लेके आयल बड़ा दुख के बात बड़ा परेशान हो गए बड़ा रुए ढुए लागल ओकर माई कहता जे देखी हमर बाबू अभी सब्जी साग ला के दिलक है हम चर्चा में छोड़ के चल गई हा हमर बाबू इतने में खत्म हो गए का भल का न भल गांव समाज के लोग ढेर सारा जुट गए आ गए ओकरा घरे आ कहता जे देखी हमर बाबू खत्म हो गए फिर ओकरा खातिर बच्चा के खातिर कफन आयल चचरी मचरी ढेर सजा गल उनका दरवाजा पर अब वो बाबू के लेके जाय के रहे शमशान घाट तब जब सब रुवत रहे गांव समाज के गुरु बहिना सब वो बूढ़ी माता भी आगल दौड़ल दौड़ल से तनी हमरो के मुंह देखा दिए बबुआ के जे कैसे मर गए तो गांव समाज के तो जानते मानी कैसन मेहरारू सब होला एक दूसरे के देख के जरता मरता सब आपस में बात करता बुढ़िया कहाँ से आ गए आ कहता जे बच्चा के मुंह देखा दो आ बच्चा के मुंह ना देखावे वो बुढ़िया से बूढ़ी माता से बोले जे नहीं बार बार नहीं इसको मुंह दिखाया जाता है आप जाइए आप कहाँ से आ जा रहे हो बार बार बोला जे थोड़ा हमको सब देख रहा है तो थोड़ा हमें भी दिखा दीजिए इस बालक के मुंह जे अभी तो हमें रास्ता में ये बालक भेटाया ही था अभी कैसे मर गया। जब उसका चचरी उचरी कफन उफन सब आने लगा बूढ़ी माता को मुंह नहीं दिखाया बूढ़ी माता लौट के चली गई रो पीट के उनको दरवाजा पर से। जब उसका शमशान घाट ले गया बच्चा के जब नहवा धोबा के जब उनको चीता पर सोला के जब सोचा जो हम आग लगाए वहाँ भी बूढ़ी माता उनको पीछे पीछे चले गए शमशान घाट तक। जय 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 शमशान घाट तक चले गए और वहाँ जितने जेंट्स थे आदमी सब सब के बोले बाबू थोड़ा ये बच्चा के हमको मुंह दिखा दो कि हम यहाँ तक आ गया हूँ। फिर वहाँ भी उनका घर परिवार के आदमी नहीं दिखा रहा था मुँह बोला बुढ़िया तो यहाँ तक पीछे पड़ गई और कह रही है जो दिखा दो दिखा दो। जब पंडित जी थे वहाँ के जो पंडित जी पूजा उजा करा के जो बच्चे के अंतिम संस्कार करते हैं वो बोला पंडित जी अरे महाराज थोड़ा दिखा दो बच्चे के जब इतना परेशान है बूढ़ी तो दिखा दो लास्ट अब तो संस्कार हो ही रहा है दिखाने में क्या है दिखा दो। वो बूढ़ी माता जाके चीता पर अब बबुआ से बोला कान में जाके जे बाबू तोरा के हम कहले रहली हो से अपना माई से जाके बोली हो जे शिव गुरु के कथा कहता वही में हमरो कथा जरूर कही जे तू ना कहलू हा ये खातिर तोर हम प्राण ले ले ली हो। जैसे उ लड़का के कान में जाके चीता पर आ कहता बूढ़ी माता जे जा तू ई बात अभी जरूर जाके कही तू अपना मम्मी से
बस इतने पर लड़का उठ के फरफरा के बैठ गए जय माता चिता पर से जय माता शमशान घाट में बैठ गए चिता पर और उठ के देह हाथ झाड़े लागल आ कहलक जे पापा हमरा के कहाँ ले आइल हँ तो कहता जे बाबू तोहर तो अंतिम संस्कार होत रहे ओहो तोरा शमशान घाट मिलन नही चलिए आप घर चलिए फिर जाके बोले अपना मम्मी से जाके गांव समाज के लोग हाहाकार पड़ गए जो अभी तो ये बच्चा के शमशान घाट ले गए अभी कैसे ये बच्चा यहाँ पर आके जय माता और जय माता दुनिया में हाहाकार मचा रहे हैं माता के बहुत शक्ति बा तो वो बच्चा जाके फिर अपना माई से बोला कि तोरा के हम कहले रहली हा जे शिव चर्चा में जाता रू खाली शिवे गुरु के कथा होला माता रानी के कथा ना होला माता रानी के कथा करबू जब तोरा फल मिली काहे कि माता रानी के दर्शन करे जाता लोग वैष्णो देवी आ जब तक भैरव बाबा के दर्शन ना करता तब तो का कोई फल ना मिलता तो ये खातिर सब गलत बच्चा जे तू जा शिव चर्चा में आ तू अब शिव गुरु के कथा कही साथ में तू माता रानी के कथा जरूर कही ना तो माता रानी हमरा यही खातिर हमरा के जान ले ले रहे और दोबारा से माता रानी हमर प्राण लौटेलक तो बोल हर हर महादेव की जय का कहत राजू बाबा चरचवा हे बहिना बरा निकला के चरचवा हे बहिना